नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुक्ला लाइव चैनल के एक नए ब्लॉग में। और हम आपसे फिर उसी ड्रेस में, ये आज का हमारा दूसरा ब्लॉग है। पहला जो ब्लॉग है वो आपने देख लिया है, पिछले मंडे को आपने देख लिया है ब्लॉग। और आज जो हम करोल बाग में आए हैं, जहाँ से गफार मार्केट में हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे सस्ते रेटों में आईफोन्स कहाँ मिलते हैं। तो अब आपको सीधे लेके चलते हैं वहाँ पे, जहाँ हमें काम है अपना, जो हमें चाहिए वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। हेलो, खबर बता दें। हेलो, 5:30 हेलो अरे यार, यहाँ कितने की रैम है इसकी? 4/32। और इसके साथ वारंटी वगैरह भी मिलेगी क्या? कुछ वारंटी वगैरह? वारंटी नहीं मिलेगी, झूठ बोल के नहीं देंगे। हाँ, झूठ बोल के नहीं देंगे आपको। अच्छा, ये भी ओपो में मिल जाएगा, F7 7,800 का पड़ेगा, 400 का। 7,800 का। ये कितना रैम है इसका? 800। इसका तो 6,000 के अंडर में कोई फ़ोन मिलेगा? 6,000 के अंडर में किस तरह का चाहिए आपको? मतलब ऐसे ही चाहिए है? नहीं आता आपको बता दूँगा। ये देख लीजिए, ये 65 का पड़ जाएगा, ये 3/32 होगा। कैमरा अच्छा सी है, बहुत ज़्यादा। ये जो फ़ोन है ये बाई बैक वाले हैं, बाई बैक वाले हैं, नया लिया पुराना दिया। अच्छा, हमारा आता ही बाई बैक नहीं है। तो कैमरा अच्छा। ये कौन सा दिया? यार इसका टच थोड़ा वो नहीं है, थोड़ा सा डीम टाइप। कुछ टच वो नहीं है, कुछ चलाना नहीं आ रहा मेरे साथ। अंकल, आईफोन का 4S मिलेगा? 4S आईफोन का मिल जाएगा। कितना टच आएगा? तेरे पास भी था मेरे? कितने का भैया? 3,000। सही है, 3,000। तो यार हम लोग गफार मार्केट से बाहर आ गए। फ़ोन वगैरह का जो सीन था बहुत रिस्की था वो, और हम लोगों ने जाती गलती कर दी कि हमने उनमें से एक बंदे को बता दिया कि हम वहाँ पे शूट करने हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। उसके बाद से छुप छुप के 2-3 वीडियो बनाए, चौथे पांचवे में हम पकड़े गए। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दी थी कि उनको पता ना चले, बट फिर भी उन लोगों को पता चलने लगा, तो हम लोग वहाँ से कट लिए। अब इतना रिस्क झेल सकता है अगर बंदा तुम लोगों के लिए, तो यार तुम लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे वीडियोस पे, वीडियो को सपोर्ट नहीं करोगे, तो यार कैसे काम चलेगा। और एक बात है जो हम आपसे बताना चाहेंगे कि वहाँ पे अगर ये सोच के आप जा रहे हो कि आप वहाँ पे आईफोन लोगे वो भी सस्ते दामों में, तो यार आप खुद सोचो कि जो आइटम आपको इतने सस्ते में मिल रहा है उस आइटम का क्वालिटी कैसा होगा। तो यार बिल्कुल ऐसी बात है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल सही नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उसके आधे से पार्ट पुर्जे ख़राब होते हैं।
तो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता। आईफोन 4S जो था वो 3000 रुपये बोला था, और मैंने उसको जब प्राइस कम कराया तो उसने वो 1500 में बेचने पे आ गया। तो यार ये सब फ्रॉडबाजी चलती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और बाकी अगर आप ये वीडियो बनाने वहाँ पे जा रहे हो तो यार गंदी वाली पिटाई हो जाएगी अगर पकड़े गए तो, यार ये बात समझ में रखना। और अकेले मत जाना वहाँ पे, क्योंकि पूरे के पूरे फ्रॉड भरे हैं वो। और आईफोन वगैरह जो ख़रीदने के आइटम है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी आपको वो दिखता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि आपके साथ सिर्फ गलती होगा और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। बहुत रेयर केस में आपको कोई सही मोबाइल मिले, सही तो मिलेगा नहीं, अगर ख़राब मिलती है वो चल जाए, यही बड़ी बात होती है। तो आप खुद देख लेना, अगर इतने के बावजूद भी आपको ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हो। बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मेरे को भी नहीं पता था यार। तो फिर जैसा हुआ हम लोगों ने वीडियो बनाया। अब वीडियो को सपोर्ट करना और शेयर करना आपका काम है। और हाँ, अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो यार आपने साथ एक या दो बंदे को साथ लेके आना, नहीं तो अकेले आओगे तो यार लूटने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने साथ किसी ना किसी को जरूर लेके आना। बाय द वे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो जल्दी से अपना काम कर दीजिए और नई वीडियो लाना हमारा काम है। हम जल्दी से आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देख तू यहाँ वहाँ ना फेंक। देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।